नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल मध्य प्रदेश में दल बदल के चल रहे सियासी दौर में पहले तो कांग्रेस विधायक शामिल हुए, अब बसपा विधायक रामबाई भी इस दल बदल प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रही हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों के बाद अब पथरिया से बसपा विधायक रामबाई ने भाजपा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची रामबाई ने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने की बात चल रही है, बात होने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति रीति और क्षेत्र के विकास के लिए वह भाजपा ज्वाइन करेंगी। इसी के साथ भाजपा नेताओं से तालमेल बैठाने की बात को लेकर रामबाई ने कहा कि मुझे हारे हुए नेताओं से तालमेल नहीं बिठाना है, बल्कि मुझे जनता से तालमेल बिठाना है। दीदी, आपने इच्छा जताई है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की, आज आप नरोत्तम मिश्रा जी के आई थी मिलने, क्या चर्चा हुई, कब तक ज्वाइन करेंगे? अभी तो मैं अपने क्षेत्र के काम को लेके आई थी मिलने के लिए भैया से, पर अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब जब पूरी बात हो जाएगी उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे, जब क्लियर हो जाएगी बात। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, आज कोई बात ज्वाइनिंग की है इसकी उसकी नहीं हुई है। नरोत्तम भैया से सभी से दौर के लोग हैं, जीजा जी हैं, भूपेन्द्र सिंह जी, सीएम साहब, बीबी शर्मा, सभी से बात करेंगे तब ज्वाइनिंग करेंगे। क्या कारण है कि बीजेपी में आना चाहती हैं, क्या लग रहा है, क्या जो पार्टी की नीति रीति है उनसे प्रभावित हैं या क्षेत्र के विकास के लिए, क्या मकसद? देखिए, पार्टी की जो नीति रीति है उससे भी और क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन आपने जिनको हराया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और अब जब आप उसी पार्टी में आ जाएंगे तो कैसे तालमेल बिठाएंगे फिर? देखिए, तालमेल नेताओं से थोड़ी उनसे थोड़ी बिठाना है, जो मतलब विधायक पूर्व विधायक रहे, तालमेल तो जनता का है और जनता चुनाव जिताती है, उनको थोड़ी जिताना हराना है। तो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.